अच्छा मुझे ये बताएं कि कुर्बानी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने खुद छुरी चलानी है और खुद पास बैठ के गोश्त बनाना है, ऐसा ही होता है? ना, मैं नहीं कर सकता ये, मैं देख भी नहीं सकता। ये है कि वो छुरी तो चलाने की दूर की बात, अब हाथ लगा देते हैं छुरी को तो मैं तो देख भी नहीं सकता। बुनियादी तौर पे तो नियत होती है ना साहिर भाई? जी बिल्कुल नियत होती है, तो वो मैं तो कान बंद कर लेता हूँ जब आवाज़ भी आती है बकरे के बेचारे की, तो वो मेरे से थोड़ी देखा जाता डर लगता है, डर लगता है। वैसे एक हमारी बचपन की ईद होती थी कि जब हम खुद इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, लेकिन अब इस प्रोफेशन में आ गए जहाँ पे ना दिन का पता ना रात की खबर, तो ऐसे में बचपन की ईद की कौन कौन सी यादें अभी तक आपको हैं और क्या तब्दील हुआ है अब आके? अभी तक तो पहले ईद पे ऐसा होता था कि बस खेलते रहते थे कज़न्स वगैरह हमारी अंदरून शहर में ना, लाहौर अंदरून शहर में हवेली है बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब्बू वगैरह की जो है, तो वहाँ पे सब कज़न्स वगैरह चाचा के बेटा सब वहीं पे खेलते थे ईद पे, तो अब वो बहुत याद आती है। वैसे उसको मिस करते हैं क्योंकि अब कई बाहर चले गए हैं, कई छोड़ दिया घर वहाँ से, हवेली है अल्हम्दुलिल्लाह भी वो है, तो उधर जाते हैं तो वो पुरानी यादें आती हैं, वो देखते हैं वहाँ पे, तो हर ईद पे फिर पुरानी ईद के किस्से याद आते हैं कि बचपन में ये हुआ वो हुआ, तो बाकी टाइम है मिस करते हैं वो बचपना भी और वो लोग भी, अपने कज़न भी, वो फैमिली, वो सारी चीज़ें। बहुत लोग ऐसे हैं जो चले गए हैं।